show you off in Lambos out on Collins. I'll be सबसे को स्वागत है जीरो टू इस पे। आज अपन बात करने वाले हैं कि महिंद्रा ने एक नई गाड़ी लॉन्च करी है अभी आज की तारीख में 13 जुलाई है जो कि 2021 बोलेरो नियो। ये गाड़ी वही गाड़ी है जो टीवी 300 के नाम से पहले आप मार्केट में देखी जाती थी, जिसको महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू करके, क्योंकि महिंद्रा के बोलेरो का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया के जो देहाती एरिया या फिर आप उसको बोल सकते हैं रूरल एरिया या फिर जो टायर टू टायर थ्री सिटीज़ हैं उनके अंदर लोग एसयूवी में 10 लाख तक की गाड़ी लेने के लिए बोलेरो को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए बोलेरो के नाम से ही टीयूवी को लॉन्च किया गया जिससे उसकी सेल्स बढ़ाई जा सके। तो अपन बात करेंगे क्या क्या फीचर्स, कौन कौन से मॉडल्स और क्या क्या आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो बोलेरो के ये महिंद्रा बोलेरो नियो इसके 3 मॉडल अभी तक लॉन्च किए गए हैं और एक और लॉन्च किया जाएगा ऐसा महिंद्रा ने बोला है। 3 जो मॉडल है वो है N4, N8, N10 और N10 ऑप्शनल है जो आगे चल के लॉन्च किया जाएगा। N4 जो है वो बेस मॉडल है जिसकी प्राइसिंग 8.48 लाख एक्स शोरूम है। अगर अपन N8 की बात करें वो 9.48 लाख एक्स शोरूम है, यानी कि सीधे 1 लाख रुपए महंगा। और N10 की बात करें जो कि आज की तारीख में टॉप मॉडल है वो है 9.99 लाख एक्स शोरूम, मतलब 50,000 N8 से महंगा और 1.5 लाख रुपये मान सकते हैं N4 से महंगा। वहीं अगर आप N10 ऑप्शनल की बात करें उसके अभी तक कोई भी प्राइस रिवील नहीं करी गई है, पर उसके अंदर फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे वो जरूर रिवील कर दिया गया है। तो सबसे पहले अपन बेसिक बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा इंजन देखने को मिलता है। इसमें आपको वही सेम TVS 300 वाला इंजन देखने को मिलता है जो 1.5 लीटर का 3-सिलेंडर डीजल इंजन है। इसमें आपको कोई पेट्रोल इंजन ऑफर नहीं किया जाता। अगर अपन पावर की बात करें तो 100 BHP पावर 240 न्यूटन मीटर टॉर्क के ऊपर प्रोड्यूस करती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो वही 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। 15 इंच का टायर देखने को मिलेंगे। बूट स्पेस की बात करें तो 384 लीटर इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो रियर की सीट होती है वो फेसिंग होती है, दोनों पैसेंजर एक दूसरे को देखते हैं, तो इसमें आप बूट स्पेस मतलब क्या ही कंसिडर करेंगे, नेग्लिजिबल ही है। मतलब कोई पीछे बैठा है तो 384 लीटर क्लेम कर रहे हैं ये जीरो जाएगी एकदम से। तो बूट स्पेस तो मैं ऐसी गाड़ियों में जीरो ही मानता हूँ। अगर अपन इसकी ARAI क्लेम्ड माइलेज की बात करें तो 17.29 की बताई जा रही है। अब अपन बात कर लेते हैं कि N4 वर्सेज N8 वर्सेज N10 और लास्ट में आपको बताऊंगा कि N10 ऑप्शनल में ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो इसलिए उसकी प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं करी और N10 के बाद भी एक ऑप्शनल मॉडल रखा गया है। N4 की बात करें तो इसमें आपको कुछ नहीं, बॉडी कलर्ड बम्पर देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक जो आप देखते हैं बम्पर आजकल जो बेस मॉडल्स में देखने को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। 8.9 सेंटीमीटर की LCD MID देखने को मिल जाएगी। इको मोड देखने को मिल जाएगा जिससे आपकी जो फ्यूल है वो सेव होगा। टिल्ट आपको देखने को मिल जाएगा स्टेयरिंग, कोई भी आपको टेलीस्कोप नहीं देखने को मिलेगा इसके किसी भी मॉडल में। पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, और सिक्योरिटी की बात करें अगर सेफ्टी तो ABS, EBD, ड्यूल बैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको बेस मॉडल N4 में देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगर आप 8.5 लाख के हिसाब से बात करें तो ठीक है। इसमें आपको एक बात बता दो, इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा आपको। अगर अपन N8 की बात करें तो इसमें जो मेजर स्पेक्स है जो N4 से अपग्रेडेड है वो है ड्यूल कलर ORVM, यानी कि जो साइड वाला मिरर होता है वो ड्यूल कलर में आने लग जाएगा। व्हील कैप्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको 15 इंच के स्टील रिम्स देखने को मिल रहे थे N4 के अंदर, उसमें अब इसमें आपको व्हील कैप्स देखने को मिल जाएंगे। ये तो 500,000 रुपये की बात है, इसके लिए कोई भी 1 लाख रुपये जो उन्होंने डिफरेंस दे रखा है वो मेरे को जस्टिफाई नहीं लगता है। ड्यूल कलर ORVM भी कोई जस्टिफाई नहीं है। अगर स्पॉयलर देखने को मिल जाए आपको रेयर में, साइड फुटस्टेप, म्यूजिक प्लेयर, 2 DIN 4 स्पीकर एंड विद 4 2 ट्विटर्स। अगर अपन बात करें कि 1 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको N4 N8 के अंदर, पर ये और जो आपको म्यूजिक सिस्टम इसमें भी देखने को मिल रहा है वो कोई टच नहीं है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो ऐप का आपके जैसा कोई फीचर देखने को मिले तो मेरे को कोई भी जस्टिफाई नहीं लगता है ये 1 लाख रुपये N4 से बढ़ के N8 देने के लिए। अगर आप N8 और N4 में कन्फ्यूज है तो ऑफकोर्स की बात आप N8 पे जाइए। अब अपन बात करते हैं N10 की, जो कि इसका आज की तारीख में टॉप मॉडल है। N10 में आपको N4 N8 वाले तो मिल ही रहे हैं, जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर वाइपर, डिफॉगर और जितने भी मैंने आपको तक आपको सारे फीचर्स बताए। N10 में जो एडिशनल आ जाता है वो क्रूज कंट्रोल आ जाता है, इलेक्ट्रिक ORVM आ जाता है, फॉलो मी हेडलैम्प्स, DRL आ जाती है हेडलाइट के साथ साथ, एलॉय व्हील्स आ जाते हैं, फॉग लैम्प्स आ जाते हैं और सबसे मेन 7 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको N4 और N8 दोनों में मिलेंगे। N4 में तो आता ही नहीं और N8 में आता है नॉर्मल वाला 2 DIN का, जो अब इसमें आपको टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है जो आज के वक्त पे काफ़ी वाजिब है, होना ही चाहिए। अगर अपन आगे बात करें तो उसमें फॉग लैम्प्स के बाद आपको एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल, और रेयर में भी आपको हैंडरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थे N4 N8 और N10। अब मेजर बात आ जाती है कि N10 ऑप्शनल में ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो अलग से महिंद्रा ने मॉडल लॉन्च किया बोलेरो नियो का। उसमें कुछ नहीं, एक मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई है ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर जो ऑफ रोडिंग में आपको काम देगी। इसके सिवा सारे वही फीचर्स है जो N10 में देखने को मिलेंगे, N10 में जो आपको देखने को मिल रहा है। अगर अपन बात करें कि कौन सा मॉडल आज की तारीख में आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप बोलेरो नियो की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर आपका बजट है 10 लाख के आसपास का, मतलब 12 लाख की ऑन रोड पड़ जाएगी मेरे ख्याल से 2 लाख की ऊपर लगकर, तो आप N10 पे ही जाइए। पर अगर आप N8 लेने की सोच रहे हैं तो N8 मेरे को बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगता। N8 से तो बढ़िया आप N4 ले लीजिए, उसमें आप बाहर से म्यूजिक सिस्टम भी लगवा लेंगे, क्योंकि हेडलाइट
हेडलाइट सबसे में डीआरएल वीआरएल कुछ आ नहीं रहा, तो अगर आप बाहर से म्यूजिक और बेसिक फीचर सारे देखने को मिल रहे, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एबीएस, एबीडी, ड्यूल एयरबैग, स्टेल स्टीयरिंग, इको मोड, एमआईडी, मतलब कोई इंटर वैसे लुक्स में तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो आप बाहर से उसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा लीजिए ठीक ठाक से 40-50 हज़ार में, काफ़ी अच्छा लग जाएगा ठीक ठाक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हील कैप्स 1,000 रुपये के आते हैं, स्पॉयलर 1,000 रुपये का आता है, कुछ स्टेप कितने आ जाएंगे 2-3-4 हज़ार के, आप टोटल भी लगा देंगे तो 50 हज़ार में जो कंपनी आपको 1 लाख में दे रही है, वो आप 50 हज़ार में बेस्ट क्वालिटी का बाहर से लगवा सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप N10 ही लीजिए, और नहीं कर सकते तो आप N4 पे जाइए। N1 तो जो मॉडल निकाले है कोई सेंस ही नहीं बनता इसका। तो अगर आपने यहाँ तक कोई वीडियो देखा तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर सकते हैं वीडियो, जिनसे उनको भी पता लग जाए N8 वर्सेज N10 वर्सेज N4 के बारे में, बोलेरो नियो जो कि जस्ट लॉन्च है। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, बाय।